फजल है खुदा से साहिब ज़ीशान वो बयां, फजल है खुदा से साहिब ज़ीशान वो बयां, जो खुश नसीब हाफिज कुरान वो बयां। दिल्ली के मौशपुर स्थित मदरसा हाशमी मदीनतुल उलूम में तकमील हिफ्ज कुरान की तकरीब का इनेकाद हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर हकीम अयाजुद्दीन हाशमी, चेयरमैन पीस ऑलवेज फाउंडेशन ने शिरकत की। डॉक्टर हकीम अयाज हाशमी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि एक हाफिज कुरान का दिमाग एक तमिलियन ब्रह्मन से भी तेज होता है, जिनका दिमाग सबसे तेज माना गया है। उन्होंने कहा कि अगर हुफ्फाज पर मेहनत की जाए और उनको दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम से भी आरास्ता किया जाए और उनको बताया जाए अंग्रेजी मैथ साइंस की अहमियत को और उनको उस डगर पर ले जाया जाए जिस डगर पर इब्न सीना जैसे माहिरीन गए, तो हमारे हाफिज कुरान भी दुनिया में इनकलाब ला सकते हैं। डॉक्टर हकीम अयाजुद्दीन हाशमी ने कहा कि आज ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो हुफ्फाज़े किराम को डॉक्टरेट की डिग्री की तरफ लेकर के जा रहे हैं, जो हुफ्फाज को तिब के शोबे में माहिर बना रहे हैं और साथ ही मेडिकल साइंस की दुनिया में उनका लोहा मनवाने की राह हमवार कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। يومئذ للمكذبين إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وزل خداس صاحب زيشان وبيان उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया, फजले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, वो वालिदैन हशर के दिन होंगे ताजदार, वो वालिदैन हशर के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज कुरान हो गया, जिनका दुलारा हाफिज कुरान हो गया, फजले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, दस ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, दस ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनका जाने का ऐलान हो गया, दोज़ख में जिनका जाने का ऐलान हो गया, फजले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज कुरान हो गया। निर्देशों को माफ फरमा, अल्लाह जो कुरान करीम की दुआएं मांगी गई हैं बेशक इसमें गलती हुई है, अल्लाह इसका हक अदा नहीं हुआ, अल्लाह कुरान दुआओं को कबूल फरमा, अल्लाह आज
जो मोहम्मद अयाज इस बच्चे ने कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज किया है, अल्लाह बेशक इसका हक अदा नहीं हुआ है न पढ़ने वाले से न पढ़ाने वाले से, अल्लाह इसको कबूल फरमाकर इसका सवाब सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह मुबारक को हदिया पहुँचा। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इस दारे फानी से जितने भी ईमान वाले रुसत हो चुके हैं तमाम की मगफिरत फरमा, खासतौर से हाजिर मजलिस में जो भी हमारे मरहूमीन हैं तमाम की मगफिरत फरमा, खासतौर से भाई शारिफ साहब के वालदेन की मगफिरत फरमा, उनके भाई की मगफिरत फरमा, अल्लाह हमारे घरों के अंदर जो भी मरहूमीन हैं अल्लाह तमाम की मगफिरत फरमा, अल्लाह इस कुरान करीम की बरकत से तमाम बीमारों को मुकम्मल शिफा अता फरमा।